हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ साड़ी से बहुत ही प्यारा सा यूज। देखिए नेट की साड़ी है, तो सबसे पहले मैं इस नेट की साड़ी का क्या करूँगी, फोल्ड करके रख लूँगी। सबसे मतलब जितना इसका घेर है साड़ी का, उतना मैं पूरी साड़ी का ही लहंगा बनाने वाली हूँ। इसी में से ही मैं दुपट्टा निकालूंगी साइड से, जो कपड़ा निकलेगा, क्योंकि मैं बच्चे के लिए बना रही हूँ तो ज़्यादा दुपट्टा चौड़ा लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि साड़ी को फोल्ड करके रखना है अच्छी तरीके से। और इसमें हम कली वाला लहंगा बना रहे हैं, वैसे कट वाली कली नहीं, वैसे ही चुन्नट वाला। अब देखिए जो एक्स्ट्रा साड़ी का फैब्रिक था वो मैंने कट कर दिया इस तरीके से। इसका जो बॉर्डर है वो मैंने नहीं निकाला है, क्योंकि हम लहंगे में ही उस बॉर्डर को लगाने वाले हैं। और थोड़ा सा पार्ट बचा था साड़ी का, वो मैंने कट कर दिया। पूरा घेर हमने साड़ी जितनी भी थी पूरी हमने उसी में ही ले ली है, लहंगे में ही। तो बहुत ही प्यारा सा हमारा लहंगा बनने वाला है ये वाला, कटिंग स्टिचिंग। तो मैंने इसको अच्छी तरीके से सेट करके रख लिया है। ये 8 लेयर कपड़ा है, घेर इसका काफी हो जाएगा। अब चलिए इसमें से ही हम दुपट्टा निकालेंगे जो ऊपर का बचेगा। तो देखिए लंबी साड़ी है तो ज्यादा लंबा नहीं बन रहा है, क्योंकि तो इसी में से ही जितना कपड़ा बचेगा उसका हम दुपट्टा निकाल लेंगे क्योंकि। तो और चलिए इसमें से हम अब लंबाई देखते हैं कितनी आएगी। तो लंबाई टोटल इसकी 35 इंच की है, ठीक है। अब इसमें से देखिए किनारी हमने बॉर्डर वाला लिया है, तो नीचे से तो कोई भी फोल्ड वगैरह कुछ नहीं होगा, हम इसमें नीचे केवल लेस लगा देंगे। तो इसमें से नीचे तो कुछ भी फोल्ड नहीं होगा, लेकिन ऊपर से आधा इंच सिलाई में जाएगा, आधा पौना इंच का सा हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो 35 इंच हो गया, मतलब 35 इंच इसकी टोटल लंबाई है। अब आधा इंच इसमें ऊपर से सिलाई में चला जाएगा, तो कितना हो गया 35.5 इंच का। अब हम इसमें 2 इंच का नेफा लगाएंगे, जो ऊपर की जो बेल्ट होती है वो लगाएंगे हम। तो 1 इंच 2 इंच, तो ये फिर से हमारा हो गया 35.5 इंच लंबाई। इसको हमें घटा देना है, जो हम नेफा अलग से लगाएंगे कट करके, क्योंकि इसमें बहुत सारी चुनटे आएंगे तो उसके लिए हमें नेफा लगाना पड़ेगा। तो ये 35.5 इंच हो जाएगा टोटल। अब इसकी हम लंबाई टोटल 35.5 इंच की लगा लेते हैं। तो ये देखिए, तो मैंने ये लंबाई का निशान 35.5 इंच लगा लिया। आपको जितना चाहिए उतना आप लंबा कर सकते हो, और घेर भी इसका काफी हो जाएगा। नीचे का पूरा पार्ट, मतलब पूरा पार्ट मैंने ले लिया है, नीचे जितनी लेस लगी हुई थी उतना थोड़ा सा पार्ट बचा है साड़ी का। ये 35.5 इंच निशान लगा के हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। तो ये हमारा ऊपर का घेर तो रेडी हो चुका है कटिंग होके। तो अब इसकी जो लंबाई हमने ली थी वो 35.5 इंच ली थी, उसको आपको ध्यान रखना है और इसको साइड में कर देना है। तो मैंने ये अस्तर का कपड़ा लिया है और इसको अब मैं फोल्ड करूंगी, पहले डबल। तो मैंने इस अस्तर को डबल फोल्ड करके रखा हुआ, देख सकते हो। अब इसकी हम लंबाई को पहले नापेंगे, तो मैं इसको किनारे की साइड से यहां से नापूंगी, किनारे को हम निकाल देंगे। उसकी लंबाई हमने 35.5 इंच रखी थी, तो इसकी भी लंबाई हम 35.5 इंच ही रखेंगे, क्योंकि उसमें नीचे से कोई भी सिलाई में नहीं जाएगा पार्ट, और इसमें 1 इंच करीब सिलाई में चला जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक 1 इंच करीब ये वाला जो पार्ट है वो छोटा हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसको बराबर ही रखेंगे। अगर हमारा लहंगे वाला पार्ट हमें नीचे से फोल्ड करना होता तो आपको उससे इस अस्तर वाले पार्ट को थोड़ा सा छोटा लेना था, लेकिन हमें लहंगे वाले पार्ट को तो बिल्कुल भी फोल्ड नीचे से नहीं करना, क्योंकि वो नीचे से ऑटोमेटिक मतलब लेस लगी हुई है उसमें पहले से ही, तो उसको मैं नीचे से फोल्ड नहीं कर रही हूँ। अब इसका हम लंबाई पूरी लेने वाली है 35 इंच की पहले, तो मैं 35 इंच का यहाँ से यहाँ तक निशान लगा लेती हूँ लंबाई का पहले। तो ये हमने यहाँ पर निशान लगा दिए है, मैं यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैं कटिंग करके निकाल देती हूँ पहले। तो जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो मैंने कटिंग करके निकाल दिया। इसकी जो किनारी है धागे निकले हुए, इसको हम कटिंग कर देंगे यहाँ से। ये जो कपड़ा है वो पूरा 2 मीटर का पीस है। अब आपको लहंगे की हिप्स का नाप लेना है। लहंगे की लंबाई थी 35, तो उसके हिसाब से हमने इसकी लंबाई को कट कर दिया जितना भी हमें चाहिए, मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया है। हिप्स है इसकी 34 इंच की। 34 इंच का हम सबसे पहले चौथा भाग करेंगे, तो 8.5 इंच हो जाएगा चौथा हिस्सा। 34 इंच का 8.5 इंच हो गया, और इसको हम कटिंग करेंगे पेटीकोट की तरह। तो दोनों तरफ से कली जब जुड़ेंगी तो दोनों तरफ आधा आधा इंच सिलाई में भी जाएगा, तो एक तरफ आधा इंच जाएगा दूसरी तरफ भी आधा इंच जाएगा। तो ये हमने 1 इंच सिलाई के लिए ले लिया, 8.5 + 1 इंच 9.5 इंच हो गया ये। अब सारी कलियों में हम 1.5 इंच और एक्स्ट्रा रखेंगे, तो देखिए 9.5 से 10.5 हो गया,
एक इंच बढ़ाया तो आधा इंच और बढ़ा दिया हमने, मतलब डेढ़ इंच पूरा बढ़ाया, तो इसमें 11 इंच का हो गया। तो हमें एक कली की जो कमर है वो 11 इंच की रखनी है। तो देखिए ये डबल फोल्ड है, तो हम एक निशान यहाँ से लगाएंगे 2 इंच, मतलब 11 इंच का। तो यहाँ से हम देखिए, यहाँ से 11 इंच का ये निशान हमने लगा दिया, ठीक है। अब ऐसा ही निशान एक 11 इंच का हमें उस वाले कोने में लगाना, देखिए उस वाले कोने में, एक उधर से लगा दिया, एक इधर से लगा दिया। अब निशान लगाने के बाद में इस निशान को उस निशान से आपको मिला देना है। तो ये हमने निशान को यहाँ से यहाँ तक मिला दिया है, आपको सारी लाइन नहीं दिख रही है लेकिन मैंने अभी आप लोगों के सामने ऐसे करके मिला दिया, ठीक है। अब यहाँ से हमने जो मिलाया है इसको हम कटिंग कर देंगे, वहां से इस कोने से लेके इस कोने तक। तो ये हमने कटिंग कर दिया। अब ये देखिए हमारी दो कली ये हो गई और दो कली वो हो गई। अब इसको भी हम यहां से अलग कर देंगे, कली को जो यहां से जुड़ी हुई है। तो ये चार कलियां हमारी बन चुकी हैं। अब इनको हम बाद में जोड़ना बताएंगे किस तरीके से हमें इनको जोड़ना है। ये बिल्कुल पेटीकोट की तरह आपको जोड़नी है। तो हमने लहंगे के नेट का घेर कट कर लिया, अस्तर का घेर कट कर लिया। अब ऊपर का नेफा हम कट करेंगे। तो ये साइनिंग वाला कपड़ा है तो इसी से ही हम नेफा कट करेंगे। अगर आपका प्लान हो तो आप उसके नेट के से ही कट करना और उसमें अंदर अस्तर लगाना। तो उसमें मैं लगाऊंगी। तो नेफा के लिए हमने 20 इंच का इसको फोल्ड किया है। वो कैसे किया है वो आप लोग को बताती हूँ। तो देखिए 34 इंच की हिप्स है तो उसका हम आधा कर लेंगे, 17 इंच हो गया क्योंकि हमने इसको डबल फोल्ड किया हुआ है। अब 2 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा रखेंगे और एक एक इंच ही दोनों साइड में सिलाई चली जाएगी, मतलब एक इंच ही एक साइड में जाएगी। तो 1 इंच हमने बढ़ा लिया। तो इस तरीके से हमने 20 इंच का ये नेफा रख लिया है। अब नेफा की हम चौड़ाई रखेंगे 5 इंच की, क्योंकि 2 इंच का हमें रेडी नेफा चाहिए कमर का। तो 1 इंच इसमें सिलाई में भी चला जाएगा इस तरीके से, आधा इंच मतलब। तो ये इस तरीके से आधा करके 2.5 इंच हो जाएगा। तो ये 5 इंच हो गया और आधा इंच इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ से, इस तरीके से 2 इंच ही हमारा बचेगा। तो देखिए इसको मैंने 5x40 इंच का ये टोटल नेफा हमारा कट हो चुका है। तो चलिए अब इसकी हम सिलाई स्टार्ट करते हैं। तो जो हमने अभी कट किया था अस्तर, सबसे पहले हम उसकी सिलाई करेंगे। तो अस्तर को हमने पेटीकोट की तरह से कट किया हुआ था ताकि इसका जो घेर है वो सारा की सारा नीचे की साइड में आ जाए। अब जो हमने कलियां कट की हुई हैं 4, उनको हम ज्वाइंट करेंगे। तो उनको कैसे ज्वाइंट करना है वो आपको थोड़ा सा समझना है। तो हमारी एक तरफ से तो जो 4 कलियां हैं, एक तरफ से तो उरे भी टेढ़ी कट की हुई है, एक तरफ से सीधी है। तो आपको क्या करना है, एक तरफ से आपको सीधी कली को पकड़ना और एक तरफ की आपको टेढ़ी कली को पकड़ना है, एक साथ पकड़ते हुए सिलाई लगानी है। इस तरीके से चारों कलियों को आपको एक टेढ़ी कली को पकड़ना है, सीधी कली को पकड़ते हुए सिलाई लगाते जाना। चारों कलियों को आपको आपस में इस तरीके से ज्वाइंट कर देना है। तो मैंने देखी चारों कलियों को ज्वाइंट कर दिया। अब जो बचा हुआ सिलाई थी वो भी मैं इस तरीके से यहाँ पर लगा दूंगी। अब इसकी जो कोने निकले हुए हैं उनको हम सेट करते हुए कट कर देंगे। तो देखिए पूरा घेर हमारा मतलब एक पेटीकोट के रूप में ये रेडी हो चुका है। अब इसका जो नीचे से टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, क्योंकि जो कलियां हमारी एक तरफ से जो टेढ़ी होती हैं वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाती हैं, तो उनको हमें अब कट करना है सेट करके। तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा टेढ़ी मेढ़ी। तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा निकली हुई कलियां थी उनको आपको इस तरीके से कट करना है। तो मैं पूरे को इस तरीके से कट करके निकाल देती हूँ। तो हमने कट करके निकाल दिया। अब नीचे से आपको फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए ये हमारी कलियां हैं जो एक्स्ट्रा थी, यहाँ से हम नीचे से फोल्ड करते हुए मैं सिलाई लगा दूंगी। देखिए काफ़ी घेर हो चुका है क्योंकि पूरा घेर हमारा आ चुका है इसी में ही। अब इसमें हमने फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब इसको हम फिलहाल कर देंगे साइड में। साड़ी वाला कपड़ा लेंगे जो हमारा नेट वाला पीस है उसको, बहुत ही प्यारा सा शानदार हमारा लहंगा बनेगा। और इसका दुपट्टे का और ब्लाउज का भी वीडियो आगे आएगा, वो आप जरूर देखना। और मैंने लटकन भी बनाई है बहुत ही प्यारी सी, वो भी आप जरूर देखना। अगला वीडियो आएगा लटकन का। तो अब इसमें जो लेस लगी हुई थी व्हाइट कलर की और पहले से ही, उसको मैंने नहीं निकाला क्योंकि ऐसे ही मैं रहने दूंगी। और मैंने एक और लेस ली है, इसको
अच्छा सा लुक देने के लिए। तो यहाँ से देखिए जो लेस लगी हुई है उससे थोड़ा सा ऊपर जो किनारी ऊपर वाली सिलाई लगी हुई है ना उसको दबाते हुए मैं ऊपर से एक सिलाई लगाऊंगी केवल इसके, ताकि जो लेस की जो डिजाइन है वो अच्छे से उभर के दिखे लहंगे पर। इसीलिए मैंने इसको नहीं निकाला था और इससे ना बहुत ही शानदार सा लुक आ गया। इसको नहीं निकाला तो और भी ज़्यादा अच्छा रहा। और देखिए इस तरीके से मैं लेस को दो सिलाई लगाती हूँ, क्योंकि चौड़ी लेस है तो दोनों तरफ हमें सिलाई लगानी पड़ेगी, तो दो सिलाई लगाते हुए मैं इस लेस को पूरे में सेट कर दूंगी। तो देखिए पूरी हमारी इस तरीके से लेस लग चुकी है। ये 5 मीटर का पूरा घेर है तो 5 मीटर हमारी इसमें लेस लग गई है पूरी। अब देखिए जो साइड का ओपन है हिस्सा उसको हम इस तरीके से पकड़ते हुए पूरे में सिलाई लगा देंगे। अब सिलाई लगाने के बाद में जो ऊपर का जो घेर है उसको हम अब इसमें फ्रिल डालेंगे, चुन्नट डालेंगे इसमें। अब देखिए आपको चुन्नट वैसी वाली नहीं डालनी, इस तरीके से आपको केवल फिंगर से खिसकाते जाना और इसमें हल्की हल्की मशीन चलाते जाना। इस तरीके से बहुत ही जल्दी आपकी चुन्नट डलेंगी और जो लहंगे का लुक है ना वो फूला फूला सा लगेगा, बहुत ही प्यारा सा लगेगा। तो इस मतलब आप चाहो जिस तरीके से इसमें चुन्नट डाल सकते हो वैसे तो, लेकिन ऐसे करके बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा लुक आने वाला है, क्योंकि इसमें वैसी वाली चुन्नट प्लेट वाली मैं चुन्नट नहीं डाल रही हूँ, केवल ऐसी छोटी छोटी सी चुन्नटें इसमें बन जाएंगी और इससे बहुत ही प्यारा सा लुक भी आ जाएगा। तो देखिए सारे लहंगे में हमने इस तरीके से प्लेटें डाल दी हैं और इसकी जो कमर है ना अभी थोड़ी सी चौड़ी है, क्योंकि मैंने ऐसे अंदाजे से सिलाई लगाई है अभी, तो अब हमें इसके बराबर सिलाई लगानी है। अब जो हमने अस्तर का जो पेटीकोट सा रेडी किया हुआ था उसको आपको सीधा करना है और ऊपर के लहंगे वाले पार्ट को भी आपको सीधा रखना है। सीधा रखने के बाद में जो हमारा नेट जो अस्तर वाला कपड़ा है उसकी जो कमर है वो छोटी है और नेट वाले की कमर आपकी बड़ी है, तो आपको इसी में ही अब आपको एडजस्ट करना है। एक बार तो हमने नेट के ऊपर सिलाई लगा ली, अब आपको दोनों को साथ में पकड़ते हुए मतलब जो नेट वाला हिस्सा है उसको और अस्तर को साथ में पकड़ते हुए पूरे में आपको सिलाई लगानी है। सिलाई कैसे लगानी है वो आप समझिए थोड़ा सा। तो आपका जो कपड़ा है अस्तर वाला वो तो हमारा फिक्स है, कमर सही है बिल्कुल, लेकिन जो नेट वाले हिस्से की कमर है वो थोड़ी सी अभी बड़ी है, तो आपको नेट वाले हिस्से को थोड़ा सा और दबाते हुए ताकि और भी चुन्नट इसमें आ जाए, मतलब दोनों ही कपड़े को आपको बराबर रखना है कमर को, ये आपको ध्यान रखना है बस। तो इस तरीके से मैं पास पास में और खिसकाते हुए पूरे में फ्रिल लगाते हुए और इसमें चुन्नट वगैरह मैंने डाल दिया, कमर को दोनों की को मैंने बराबर कर दिया है। आपको अस्तर वाले कपड़े का की कमर को छोटा नहीं करना है, नहीं तो कमर आपकी छोटी हो जाएगी इसीलिए। अब मैंने ली है देखिए बुकरम, बुकरम मैं लगाने वाली हूँ कमर पर, जो पेस्टिंग वाली बुकरम होती है ना वो, इसका भी मैंने प्रॉपर वीडियो एक डाला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लेना। तो देखिए इस तरीके से मैंने जो ऊपर का जो नेफा कट किया था 5 इंच का और ये मैंने बुकरम को कट किया है 4 इंच का, क्योंकि 2 इंच का हमें नेफा रखना है इसीलिए मैंने 4 इंच का मैंने इस बुकरम को कट किया है। अब वो कट करने के बाद में मैंने जो चिकनी साइड होती है ना बुकरम की, एक साइड जो चिपकाने वाली बुकरम है, ये वैसी वाली नहीं है नॉर्मल वाली, तो उसको चिकनी वाली बुकरम को नीचे की साइड में कपड़े की साइड में रखते हुए आपको प्रेस से चिपका देना है और जो साइड से जो कपड़ा है ना उसको आपको अंदर की साइड में इस तरीके से फोल्ड करते हुए प्रेस लगा देनी है। तो इस तरीके से बिल्कुल सेट हो जाएगा आपका कपड़ा, बिल्कुल भी हिलेगा डुलेगा नहीं आप सिलाई लगाते वक्त। अब देखिए जो ओपन हो रहे हैं जो कोने आपके उस पर आपको एक एक सिलाई दोनों साइड से लगा देनी है। इस तरीके से हम इसमें दोनों साइड से सिलाई लगा देंगे। ये हमारी सिलाइयाँ लग चुकी हैं, अब हम इसको लहंगे के ऊपर अटैच करेंगे। तो लहंगे पहले आपको देख लेना है कि कमर कोई भी आपकी छोटी या बड़ी तो नहीं है, और कोई भी पार्ट आपका छोटा या बड़ा है तो आपको पहले उसको एडजस्ट कर लेना। तो देखिए बिल्कुल बराबर है, ना ही कोई पार्ट छोटा है और ना ही कोई पार्ट बड़ा है। अब हमने इसको नाप लिया, अब आपको जो हमने जो सिलाई लगाई थी ना नेट पे वो आपको ढूंढनी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चुन्नट है ना, तो वो काफ़ी देर में मिली मुझे, तो मैंने फिर नीचे से देखा शायद, क्योंकि नीचे से तो सिलाई लग दिखी जाएगी, तो देखिए नीचे से ये दिख गई थी, क्योंकि अगर आगे सिलाई आ गई ना गलती से, बाद में हमने देखा कि आगे सिलाई आ गई और वो दिख रही है तो वो बद्दा लगेगा, तो इसीलिए वो वाली सिलाई आपको साइड में कर देनी है। तो देखिए मैंने साइड में सिलाई को करते हुए और ये जो हमने रेडी किया है बुकरम वाला पार्ट और कपड़ा लगा के इस पर बुकरम पे, इसको आपको उल्टी साइड से सिलाई लगानी है। तो देखिए आधा आधा इंच का जो हमने एक्स्ट्रा लिया था उसको दबाते हुए और बुकरम को इस तरीके से सेट करते जाना है आपको। आपको बुकरम को वैसे फोल्ड नहीं करना, केवल सीधी सीधी रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है, क्योंकि हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको तो हमने अंदर की साइड में दबा ही दिया है। बुकरम वाले पार्ट को आपको सीधा रखना है ऊपर से और इस तरीके से सिलाई पूरे में लगाते जाना है।
और जो कोने हैं इसके वो आपके बिल्कुल बराबर आने चाहिए। तो देखिए जो लहंगे वाला पार्ट है वो थोड़ा सा एक अंगुल सा बड़ा था, तो उसको थोड़ा सा आपको दबाते हुए सिलाई लगानी है, क्योंकि मैं दोनों को बराबर रखने वाली हूँ इसीलिए। तो देखिए दोनों बराबर आ गए, यहाँ पे बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए, नहीं तो भद्दा लगेगा, कोना खुला खुला सा लगेगा। तो दोनों को बराबर रखते हुए हमने इसको सिलाई लगा दी है। अगर आपका ऊपर वाला पार्ट छोटा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपका नीचे वाला पार्ट बड़ा है तो आपको इसके बराबर एडजस्ट कर लेना है। लेकिन आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि कमर आपकी छोटी ना हो जाए। अब आगे की साइड में नेफा है जो हमारा, उसको आगे की साइड में फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। तो देखिए इस तरीके से मैं आगे की साइड में इसको फोल्ड करूँगी और सिलाई लगा दूंगी। और इसकी मैंने बहुत ही प्यारे से लटकन की वीडियो बनाई हुई है, उसका वीडियो भी आपको जल्द ही आ जाएगा, कल डाल दूंगी मैं, क्योंकि एक एक करके डेली मैं वीडियो डालती हूँ। और हाँ, आप टाइम वगैरह बता सकते हो, अगर आप किसी टाइम पे फ्री होते हो उस टाइम के हिसाब से मैं वीडियो रेगुलर डाल सकती हूँ। और गाइस बहुत ही प्यारा सा शानदार लहंगा है हमारा, अगर आपको हमारा ये लहंगा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत ही प्यारे प्यारे से आइडिया आगे भी आने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारी साड़ियाँ पड़ी हुई हैं, उनको मैं आइडिया शेयर करने वाली हूँ एक एक करके। और देखिए कितनी प्यारी सी हमने लटकन बनाई हुई है, इनका वीडियो तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया आने वाला है। तो चलिए इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। तो ये है हमारे लहंगे का फाइनल लुक, और इसमें आपको डोरी डाल देनी है सिल्क की। मैंने डोरी इसमें डाल दी है, अस्तर का जो कपड़ा था वो शाइनिंग का था, तो मैंने उसी से ही इसकी जो नारा है वो बनाया हुआ है। और इसके ऊपर अगर आप और भी हैवी लुक देना चाहते हो तो और भी इसमें बॉर्डर वगैरह लगा सकते हो, जैसे भी आप अपने हिसाब से बनाना चाहो वैसे आप अपने हिसाब से बना सकते हो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर आप लोग को हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।